हेलो गाइस, वेलकम टू इजी टू मेक डिजाइंस। आज हम गुजिया बनाने वाले हैं। गुजिया होली की खास मिठाई है। गुजिया को कई तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज हम सूजी मावा की गुजिया बनाएंगे और इसमें हम कुछ थोड़े से मसालों का भी यूज करेंगे। बहुत टेस्टी गुजिया बनकर तैयार होगी, तो आइए शुरू करते हैं। ये देखते हैं गुजिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स, कर्ड सूजी, 250 ग्राम मावा, मिर्च पिसी हुई और इलायची, 1.5 कप बूरा और घिसा हुआ नारियल, और 4 कप मैदा कप घी लिया है मोइन के लिए। गर्म पानी से आटा मांडेंगे, पूरी से सख्त आटा मांड लेंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए आटे को रख देंगे। मावे को छोटे छोटे तोड़ लेंगे और अब हम 2 चम्मच घी ले रहे हैं ड्राई फ्रूट्स को तलने के लिए। इसमें सूजी भी तल लेंगे। 2 चम्मच घी गर्म होने के बाद अब इसमें सूजी तलेंगे। सूजी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम अच्छे से सूजी को भून लेंगे। सूजी भुनने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो अच्छे से भुने ब्राउन होने तक इसे अच्छे से चलाते रहें, चिपके ना, चलाते रहें कंटिन्यूसली, बिल्कुल रुके नहीं। इतने हमारा आटा, जो मैदा का आटा हमने मांडा है, वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। इतने हम सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें अब एक एक करके सारी चीज़ें भुनने वाले हैं। सूजी को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जल्दबाजी ना मचाएं, बस इसे हिलाते रहें, चलाते रहें, बस नीचे से चिपके नहीं। सूजी का रंग बदलने लग जाएगा जैसे ही भुनेगी, पता चल जाएगा आपको। अभी सूजी कच्ची है। गुंजिया को बनाने में टाइम लगता है, पर जब गुंजिया बनकर तैयार होती है तो बहुत अच्छी लगती है। छोटे बड़े सब बहुत चाव से खाते हैं। मैं इस सूजी को भुनते हुए वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि सूजी जल्दी से नहीं भुनती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसे थोड़ा मीडियम गैस पे ही इसे चलाते रहें। फिर जब आपको लगे अब इसका रंग जैसा रंग बदलने लगा है, तो गैस बंद कर दें और अब गैस बंद करके थोड़ा सा फिर चलाते रहें। गैस बंद करके चलाते रहें। और अब इसे भूरे में डाल दें। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भुनूंगी एक एक करके। ये काजू और बादाम लिए हैं मैंने, कम ज़्यादा काजू बादाम आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। किशमिश को भुनने की ज़रूरत नहीं है, किशमिश को हम ऐसे ही डाल देंगे उसमें। अब मैं घिसा हुआ गोला ले रही हूँ। घिसा हुआ गोला 1.5 कप 2 कप ऐसे आप ले सकते हैं। इसे भी भून लेंगे थोड़ा सा। इसे भी एक साथ मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। सारी चीजें भूरे में ही डालते रहें। अब मावा भूनेंगे। मावा को थोड़ा सा जल्दी जल्दी
थोड़ा सा और चम्मच से जैसे जैसे पिघलता रहेगा उसे जल्दी जल्दी चलाते रहे, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा, ब्राउन होएगा तो वो जला हुआ टेस्ट आएगा फिर फिलिंग में, तो इसलिए उसे जल्दी जल्दी चलाते रहें। थोड़ी सी गैस कम कर लें और इसे चलाते रहें, नीचे से चिपके ना, जले ना। मावा भी जब भुन जाएगा तो थोड़ा सा रंग हल्का सा बदलने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मावा भुन गया है, अभी मावा कच्चा है। मावा भी ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अभी रंग चेंज हो गया है, पर ऐसे ही अभी से करते रहें। अब मावा भी उसी में भूरे और ड्राई फ्रूट्स के में ही डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम किशमिश भी डाल देंगे, किशमिश और काली मिर्च, इलायची, ये सब चीज़ें भी अभी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मिला लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें वो सारा सामान भी डाल देते हैं। और अगर आपको लगे कि ये बहुत कम सामान है और चिपक रहा है, ऑयली ऑयली सा हो रहा है, तो इसमें नारियल और डाल दें, नारियल, ड्राई फ्रूट्स और डाल दें, और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद एक बार टेस्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा मीठा कम लगे, ये खाली खाएंगे तो मीठा हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए, कि टेस्ट करें तो पता चले कि हल्का सा मीठा ज़्यादा है, जिससे कि गुजिया बनने का परफेक्ट मीठा हो। तो अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो बूरा थोड़ा सा और मिला लें यहाँ पे, और अगर ये आपका जो पूरा फिलिंग है अगर बहुत ऑयली हो रही है तो इसमें नारियल घिस के और डाल दें थोड़ा सा, और अच्छे से मिला लें। आटे की गोलियाँ बना के आटा बेलना शुरू करें। गुंजिया में फिलिंग ज़्यादा भी कम ना करें कि फट जाएगी, इस चक्कर में फिलिंग ही कम करें, फिलिंग ज़्यादा भी कम नहीं करें, अदरवाइज़ क्या होता है कि वो हवा भर जाती है गुंजिया में तो वो घी में डालने पे खुलने लगती है, जगह बनती है तो वो फूलेगी, क्योंकि घी में डालेंगे तो इसलिए याद रखें कि फिलिंग ज़्यादा भी कम नहीं होनी चाहिए और अच्छे से गुंजिया बंद होनी चाहिए, जिससे कि फूलने पर उसमें हवा ना भरे और एकदम से वो खुल जाए घी में डालते ही, टाइट होनी चाहिए गुंजिया बंद।
भरी हुई गुंजिया ढकते रहे वरना गुंजिया सूख जाएगी तो बुननी अच्छे से बुन नहीं पाएगी और खुलनी शुरू हो जाएगी बुनते वक्त। तो गुंजिया को ढकते रहें बना बना के। सारी गुंजिया हमने भर ली है। गुंजिया को बुनने के लिए हमने घी गरम किया है। कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे और गुंजिया को बुनना शुरू करेंगे। गरम घी में 4-5 गुंजिया एक साथ हम बुन सकते हैं। एक बार में 4-5 गुंजिया डाल के आराम से भुनी जा सकती है। चम्मच से गुंजिया के ऊपर घी डाल दें इस तरह से। अब गुंजिया को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। थोड़ी धीमी आंच रखें नहीं तो अंदर से सिकेगी नहीं। सहायता से पलट लें एक एक करके। अगर एक आधी गुंजिया आपकी खुल जाए तो उसे निकाल के साइड में रख लें और आखिरी में सेक लें। छन्नी की सहायता से कढ़ाई पे कलछी लगाते हुए घी में से गुंजिया को निकाल लें। बड़ी ही स्वादिष्ट गुंजिया बनकर तैयार है। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।